राज्य में अलवर और अजमेर में लोकसभा व मांडलगढ़ में हुए विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गुरुवार सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर आयोग द्वारा अनुमोदित केंद्रों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। राज्य में पहली बार मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति के जरिए मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतगणना में भी पूर्ण निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई जा चुकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति को लागू किया जाएगा। इसमें संपूर्ण मतगणना के बाद प्रत्येक विधानसभा के मतदाता केंद्रों में रैंडमली एक एक वीवीपैट का चयन कर उसकी पर्चियों की गणना कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर पर्यवेक्षकों की निगरानी और उम्मीदवारों या उसके एजेंटों के समक्ष अलग कक्ष में वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियों की मतगणना और मिलान होगा। उल्लेखनीय है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी यही प्रयोग किया जा चुका है। राजस्थान के किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में यह पद्धति पहली बार अपनाई जा रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।